प्यारे बच्चों प्यार भरी सत श्री अकाल। आपां करन जा रहे हां स्कूल सिक्ख्या भाग पंजाब प्रायमरी वल्लों 17/9/2020 नूं जारी पंजाब अचीवमेंट सर्वे लई अभ्यास शीट 22। सो आओ शुरू करदे हां। हर रोज़ की तरह पहला विशा अपना पंजाबी है। पंजाबी दे दित्ते हुए पहरे नूं पढ़ना है बच्चों, अते इस दे हेठां दित्ते प्रश्नां दे आपां उत्तर लभणे हन। सो आओ पहरा पढ़ना शुरू करदे हां। एक वार किसी मूर्ख व्यापारी ने घोड़े दे एक पासे दो मण कणक अते दूसरे पासे दो मण रेत पा ली तां जो बोझ सावां हो जावे अते घोड़े नूं तकलीफ ना होवे। एक गरीब आदमी जो उस उत्ते बोझ लद्दिया देख रहा सी ने पुछया, श्रीमान ये तुसीं की कर रहे हो? व्यापारी बोलिया, एक पासे कणक ते दूसरे पासे रेत भार सावां करन वास्ते। ओ आदमी सावां बच्चों बराबर करन वास्ते, ओ आदमी कहन लगा कि जेकर दो मण कणक नूं एक मण एक पासे ते एक मण दूजे पासे पा लैंदा है तां की सी? घोड़े वाले ने कहा, तेरे कोल किन्नी दौलत है? उसने कहा, मेरे कोल तां कोई दौलत नहीं है। तां घोड़े वाले ने कहा, तू मेरे नाल गल ना कर, किते मैं भी तेरे वर्गा ना गरीब हो जावां। तू अपनी अकल अते बदकिस्मती अपने कोल रख। इस करके कहा जाता है कि ना समझ लोग नेक सलाह लैण लई तैयार नहीं हुंदे। सो बच्चे उस व्यापारी ने मूर्खता की करी हुई सी, घोड़े दे दोवें पासे बराबर भार करन वास्ते दो मण कणक दे बराबर दो मण रेत, भाव कि दो मण भार नाल ही चलना सी, पर उन्ने दो मण होर पाया होया सी रेत फालतू भार। ते एक समझदार इंसान ने उसनू ये कहना चाहिया कि तू उसे दो मण कणक नू एक एक मण करके दोवें पासे पा ला, पर उसने उसकी गल नहीं मनी। सो आओ इस दे हेठां दित्ते प्रश्नां नू करदे हां। प्रश्न पहला, व्यापारी ने घोड़े उपर की लद्दिया होया सी? रेत। कणक अते रेत दोवें लद्दे होए सी। तीजा उत्तर अपना सही है। प्रश्न नंबर दो, ना समझ लोग डैश लैण लई तैयार नहीं हुंदे। दो मण कणक नेक सलाह लैण लई तैयार नहीं हुंदे जो ना समझ हुंदे आ बच्चे, जिन्हां नूं समझ घट हुंदी है। पैरा तीजा, पैरे विच दौलत शब्द का की अर्थ है? सिक्ख्या, गरीबी, अकल, धन। दौलत का अर्थ है धन, क्योंकि उसने उसनूं पुछिया सी भी तेरे कोले किन्ने पैसे है, तो भाव वह की सी? गरीब सी। प्रश्न नंबर चार, जेकर आदमी का आदमिया होवे तां व्यापारी लई शुद्ध शब्द किहड़ा होवेगा? व्यापारियां, वापरियां, व्यापारियां, व्यापारियां। पहला बच्चों बिल्कुल ठीक है। प्रश्न पंजवां, हेठ लिखियां गल्लां विच्चों केड़ी गल पैरे विच नहीं कीती गई है? मूर्ख व्यापारी ने एक पासे दो मण कणक रख ली सी, ठीक है। गरीब आदमी कोई दौलत नहीं सी, ये भी ठीक है। एक पासे कणक ते एक पासे रेत सी, ये भी ठीक है। ना समझ लोग नेक सलाह लैण लई तैयार हुंदे हन, ये गलत है, तैयार नहीं हुंदे, चौथा साडा उत्तर है। अगले विषय ते चलदे हां। अगला विषय है बच्चों गणित। सो अगले विषय नूं करन तों आपां पहला सवाल करांगे, नमूना पूरा करो। नमूने दे विच देख रहे हो इस तकोण विच बने हुए डिजाइन दे विच, पहली दे अंदर एक डिजाइन भरिया, दूसरे दे अंदर एक लड़ी होर भरती उसकी, तीसरे दे अंदर तीजी लड़ी भरती, चौथे दे अंदर चारे दियां चारे भरतियां। फिर यही रिपीट हो गया, इत्थे आ गया पहले नंबर ते। हुण आ वाला दूजा जिस दे अंदर पहलियां दो लाइनां भरियां ने यह इत्थे आऊगा, तो जिदे अंदर तीन लाइनां भरियां ने यह इत्थे आऊगा। सो पहला ऊड़ा भी सही नहीं है, ऐड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। जिस दे अंदर पहले दे दो लाइनां भरियां होईयां ने, तीसरे दे अंदर एक दो तीन लड़ियां भरियां होईयां ने, सो अपना उत्तर तीजा है। अगला सवाल है बच्चो दूजा, देखो समझो ते लड़ी नूं पूरा करो। 190 188 भाव 190 चों दो घट गए, 188 तो अगे 186 भाव दो होर घट गए, 186 तो अगे 184 भाव 186 चों दो होर घट गए। हुण 184 चों दो होर घटांगे अपने कोले आजूगा 182, 182 चों दो होर घटा दोगे अपने कोले आजूगा 180, भाव ईडी उत्तर साडा बिल्कुल ठीक है। तीजा सवाल,
हेठ लिखिया विच्चों केड़ा कथन सही है? लीप दे साल विच सधारण साल तो वध दिन हुंदे ने, बिल्कुल ठीक है। ऐड़ा सधारण साल विच लीप दे साल तो वध दिन हुंदे ने, नहीं गलत है। लीप दे साल अते सधारण साल विच बराबर दिन हुंदे ने, भी गलत है। इन्हां विच्चों कोई नहीं, ऊड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है बच्चों। जिहड़ा लीप दा साल हुंदा है उस दे विच सधारण साल नालों एक दिन वध हुंदा है, भाव लीप दे साल विच 366 दिन हुंदे ने, सधारण साल दे विच 365 दिन हुंदे ने। ये एक वध दिन बच्चे फरवरी दे विच हुंदा है, फरवरी लीप दे साल दे विच 29 दिनां दी हुंदी है। अगले विषय ते चलदे हां। अगला चौथा सवाल, चौथे सवाल विच है बच्चे हेठां दित्ते कैलेंडर नूं देख के दसो कि सितंबर 2020 विच किन्ने मंगलवार हन। सितंबर 2020 विच मंगलवार, सब तो पहला असीं मंगलवार ते चलांगे, फिर उस दे हेठां मंगलवार नूं गिण लांगे किन्ने दिन आए। एक दो तीन चार पांच, पांच मंगलवार हन, तो सस्सा उत्तर साडा बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल ते चलदे हां। पंजवां सवाल, हेठां दित्ता चित्र ग्राफ बच्चों द्वारा खेडियां जांदियां खेडां दी जानकारी दिंदा है। सो बच्चों देख रहे हो तुसीं पंजवें सवाल च कि बास्केटबाल विच एक दो तीन बच्चे, हाकी विच एक दो तीन चार पांच बच्चे, बैडमिंटन एक दो तीन चार बच्चे, शतरंज विच एक दो तीन चार पांच छे बच्चे, ते क्रिकेट विच एक दो तीन चार पांच छे सत्त बच्चे। ये बच्चों द्वारा खेडिया जांदियां खेडां ने। बच्चों इत्थे ये जिहड़ी समाइली बनी हुई है, आपां नूं कोई संकेत नहीं दिता, तां ये एक समाइली एक बच्चे दे बराबर है। तो इहदे अंदर सब तो वध क्रिकेट खेडी जांदी है, सब तो घट बास्केटबाल खेडी जांदी है। आओ अगले इस दे उत्तर दिंदे हां आपां। हुण आपां नूं इत्थे हुणे आपां करके गए सब तो घट खेडी जाण वाली खेड, एक दो तीन बच्चे खेडदे ने, किहड़ी खेड है बास्केटबाल, किन्ने बच्चों द्वारा खेडी जाती, तीन द्वारा, तो ईडी साडा उत्तर है। अगर खेड पुछी होंगी तो उत्तर आना सी बास्केटबाल। अगले विषय ते चलते हैं बच्चों। अगला विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी के दिते हुए पहरे नूं पढ़ते हैं हर रोज़ की तरह। रिया वेंट टू द जू विद हर पेरेंट्स। रिया चिड़ियाघर गई आपदे मापिया नाल, माता पिता नाल। हर मदर बॉट ब्रैड फॉर लंच। उसके माता जी ने ब्रैड खरीदे लंच वास्ते। हर फादर बॉट हिज कैमरा। उसके पिता जी ने उसका कैमरा खरीदया। दे वेंट टू सी द लॉयन फस्ट। उन्होंने उत्थे सब तो पहला शेर वेखण लई गए। रियाज फादर टुक सम फोटोज। रिया दे पिता जी ने कुछ फोटो लईयां। नैक्सट अगला, दे वेंट टू सी द मोंकीज। उस तो बाद उन मंकीज भाव बंदरां नूं देखण लई गए। द मोंकीज वर जंपिंग ऑन द ट्रीज। मोंकीज की कर रहे सी, जंपिंग ऑन द ट्री, रुखां दे उत्ते छाला मार रहे सी। रिया थॉट द मंकीज। रिया ने मंकियां बारे सोचा। द मोंकीज वर फनी। मंकी बहुत फनी हुंदे ने, भाव मनोरंजन वाले हुंदे ने। शी हैड रियली ए ग्रेट डे विद हर पेरेंट्स। उस दे लई ए दिन सही मायने दे विच बहुत वधिया दिन सी, ओ अपने माता पिता दे नाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड रिया गो। रिया किथे गई सी? जू। सो बी इज आवर राइट आंसर। सैकेंड क्वेश्चन, वट डिड रिया मदर ब्रिंग फॉर लंच। उसके माता जी ने की खरीदया सी? बॉट ब्रैड। ब्रैड खरीदे सी, सी इज आवर राइट आंसर। नैक्सट वन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद होम डिड रिया गो टू द जू। मदर कि गई सी रिया चिड़ियाघर च? मदर नाल, फादर नाल, दोनों नाल। सो सी बोथ ए एंड बी, सी इज आवर राइट आंसर। ए ते बी दोनों नाल गई सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चूज द करैक्ट ऑप्शन। द मोंकीज वर जंपिंग डैश द ट्री विद इन ऑन टू ऑन द ट्री, सी इज राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द अपोजिट ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट हुंदा पहला, अपोजिट आऊगा बच्चों इसका उल्टा लास्ट, फर्स्ट का उल्टा लास्ट। सो कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगला विषय है बच्चों हिंदी। हिंदी विषय विच सब तो पहला पहरे नूं पढ़दे हां। एक समय की बात है, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक फैक्ट्री में से जहरीली गैस रिस कर हवा में फैल गई। वह गैस इतनी तेजी से फैली कि किसी के पास भागने तक का समय नहीं बचा।
क्योंकि यह हादसा रात के समय हुआ था, इसलिए लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और जल्दी ही लोग मौत के मुंह में जाने लगे। लोग श्वसन संबंधी बीमारियों की चपेट में आ गए। श्वसन का भाव यहाँ पर है बच्चों सांस संबंधी बीमारियाँ। वृक्षों के पत्ते काले पड़ गए, विशेष जरूरतों वाले बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। विशेष जरूरतों वाले बच्चे, अपंग बच्चे जिनका किसी न किसी अंग से विलक्षण होते हैं, वो दूसरे बच्चों से अलग होते हैं, पैदा होने शुरू हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ा। दामन का मतलब यहाँ साथ नहीं छोड़ा, और आज भी संघर्ष करते हुए इस पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। का लोग किस तरह की बीमारियों का शिकार हो गए, श्रवण संबंधी, नेत्र संबंधी, श्वसन संबंधी, तो श्वसन संबंधी बीमारियों का शिकार हो गए, तीसरा उत्तर बिल्कुल ठीक है। ख है मौत के मुंह में जाना का क्या अर्थ है, मर जाना, जीवन लीला समाप्त हो जाना, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। तीसरा उत्तर आएगा, मर जाना का अर्थ भी होता है और जीवन लीला समाप्त होना, दोनों का अर्थ एक ही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ग प्रश्न है हमारा, गैस के रिसाव के समय इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है भाव, गलत कथन ढूंढ रहे हैं हमने। पहला, लोगों को श्वसन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये कथन सही है। दूसरा, वृक्षों के पत्ते काले पड़ गए, ये भी सही है। तीसरा, लोगों ने एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ा, ये भी सही है। चौथा, लोग गंजेपन का शिकार हो गए। चौथा जो उत्तर है वो गलत है, इसलिए हमारा उत्तर चौथा है। घ प्रश्न है, जैसे परिणाम का अर्थ है नतीजा, उसी तरह अपंग का अर्थ है तंदुरुस्त, कमजोर, विशेष जरूरतों वाला। विशेष जरूरतों वाला अंगा क्वेश्चन है अगला। इनमें से कौन से शब्द में संयुक्त अक्षर नहीं है। संयुक्त अक्षर है, परिणाम में नहीं है, शिकार में नहीं है, श्वसन में है। छह जो है वो आधा है जिसको संयुक्त अक्षर की संज्ञा दी गई है। अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय है साडा बच्चों वातावरण सिक्ख्या। आओ वातावरण सिक्ख्या दे पहले प्रश्न नूं आपां करदे हां। हेठ दित्तियां विच्चों किहड़ा जोड़ा गलत है। क्रिकेट दे लई बैट बाल विकटां चाहीदियां, बिल्कुल ठीक है। हॉकी लई रैकेट ते शटल चाहीदी है, गलत है। हॉकी लई तां हॉकी स्टिक ते बॉल चाहीदी है, दूजा ही जोड़ा गलत है। अगले देख सकदे हो तुसीं, कबड्डी लई धावी जाफी, फुटबाल लई फुटबाल नैट, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर दूजा, तुहाडे सामने एक बच्चा छत ते पतंग उड़ाउण जा रहा है, तुसीं उस बच्चे नूं की कहोगे। पहला, मैं भी तुहाडे नाल छत ते पतंग उड़ाउण आउंदा हाँ, नहीं, उस नूं कुछ नहीं कहोगे, गलत। तीजा, उस नूं कहोगे कि छत ते पतंग उड़ाउणा खतरनाक है, हेठां डिग के सट लगण दा डर हुंदा है। चौथा, छत ते चढ़ के पतंग उड़ाउणा वधिया है। तीजा उत्तर बिल्कुल ठीक है बच्चे। आपां उसनू कहांगे, उसनू कहोगे कि छत ते पतंग उड़ाउणा खतरनाक है, हेठां डिग के सट लगण दा डर हुंदा है। सो अगर बच्चे पतंग उड़ाउणा होवे, खुले मैदान विच पतंग नूं उड़ाउणा सही मन्निया जांदा है। अगला प्रश्न है तीजा, हेठ दित्ता पैटर्न पूरा करो। देखो, पहली तस्वीर दे विच हाथी का बच्चा है, दूसरी तस्वीर च हाथी दिखाता, अगले च कुत्ते दे बच्चे दिखाए गए, इत्थे हुण की आऊगा, तीसरा उत्तर बिल्कुल ठीक आऊगा, कुत्ते दे बच्चे है, ते इत्थे आ वाली तस्वीर आऊगी बच्चो, डॉग दी, कुत्ते दी बनी हुई तस्वीर। अगले प्रश्न ते चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, हेठ दित्ते चित्र विच दर्शाई लिपि किस वर्ग नाल संबंधित है। हेठां चित्र तुसी देख रहे हो आ वाला, इस दे विच एक लिपि दिखाई दे रही है बच्चों, की दिख रहा है, उभरियां होईयां सतह है कागज़ दी, कागज़ दे उपर उभरे हुए अक्षर बने हुए ने, उकरे हुए ने, ते इस नूं ब्रेल लिपि कहिंदे ने। किन्हां वास्ते हुंदी है, नेत्रहीण वर्ग नाल संबंधित है, बिल्कुल सही है। पहला उत्तर, नेत्रहीण वर्ग वास्ते ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है बच्चों। पंजवां ते आखिरी प्रश्न, हवा ते पानी नाल धरती दी उपरली परत दे खुर नूं कहा जाता है। भौंखोर, चक्रवात, सुनामी, भूचाल, भौंखोर हुंदा बच्चो धरती दी उपरली परत दा खुर जाना। सो इस तरीके ये आपां अभ्यास शीट है मुकम्मल की। अगली अभ्यास शीट नाल फिर मिलांगे। थैंक यू, धन्यवाद।